The G20 delegation will visit the Taj Mahal in Agra today. When the people of the delegation come to see the Taj Mahal, they will get to see two Taj Mahal, a white marble Taj Mahal and a sand marble Taj Mahal. This Taj Mahal made of sand is built on the foothills of the Yamuna opposite to the original Taj Mahal. This sand Taj Mahal has been built by the municipal corporation. It has been made from the sand of about 60 feet wide and 30 feet long. It took more than 2 days to prepare it. Along with applying the G20 logo on this Taj Mahal, I Love India and Vasudev Kutumbakam has also been written in it. ये नगर निगम द्वारा G20 में आए मेहमानों को के लिए बनाया गया, जिससे शहर की और अच्छी फिजा जाए और वसुदेव कुटुंबकम के रूप में। वैसे भी तो हमारा देश प्रचलित है पूर्व में, तो इसलिए ये दर्शाया गया है कि इससे अपने देश का नाम आगे हो। कौन से विभाग के द्वारा ये नगर निगम द्वारा बनाया गया? कब से शुरू हुआ, कब तक बनकर तैयार हो गया? ये आज शाम तक क्लियर हो जाएगा, इसको 4 दिन हो गए क्लियर करते हुए। और ये माननीय रूपेश सिंह जी हैं, वो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बनाया। सर रेत की क्वांटिटी तो लंबाई चौड़ाई में बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते? लंबाई चौड़ाई इसकी लगभग 30 फुट बाई 60 फुट के आसपास है। रेत और पानी कलर के अलावा इसमें कुछ हम लोग का परिश्रम है और इसके अलावा कुछ मिक्स नहीं किया गया इसमें। पिछले 2 दिन से कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं और अभी 1-2 घंटा और लगेंगे इसको। अभी हम लोग फाइनल टच दे रहे हैं, 1 घंटे में और फाइनल मतलब तैयार हो जाएगा ये कलाकृति। ये कलाकृति ये मैसेज दे रही है कि G20 में जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, जो बाहर के अन्य देशों से जो हमारे अतिथि आ रहे हैं, उनके स्वागत में आगरा के ताजमहल पे उनको एक ताजमहल व्यू पॉइंट की जगह पे उनके लिए एक स्वागत के रूप में उनको स्वागत करती हुई आकृति बनाया है, जिसमें G20 के लोगों के साथ आगरा का ताजमहल को भी दिखाया है, दिखाने का प्रयास किया है। अब तक आप क्या क्या बना?